नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजातरीन खबरों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां सबसे पहले वे सांबा के रामगढ़ में देवक पुल का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद आईटी नगरोटा में सेना की तरफ से आयोजित नॉर्थ टेक प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी, जहां वे कुल्लू, मनाली, मंडी, सोलन और शिमला में आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगी और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आपदा प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही राहत कार्यों का जायजा लेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज दंतेवाड़ा से छत्तीसगढ़ में भाजपा के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा 1728 किलोमीटर लंबी होगी और 16 दिनों तक चलेगी। वहीं यात्रा शुरू करने से पहले दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन कर पूजा अर्चना भी करेंगे अमित शाह। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज देहरादून में विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण एवं प्रदेश के 142 पीएम श्री स्कूल्स व 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना तथा उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का विधिवत शुभारम्भ करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लग गए हैं। जहां कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने अपने सांसदों और विधायकों से एक एक कर मुलाकात की थी और उनसे फीडबैक लिया था, वहीं आज वे जदयू के सभी जिला और प्रखंड अध्यक्षों, सभी जिला और विधानसभा प्रभारी से राजधानी पटना में मुलाकात कर फीडबैक लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने 2 दिन के दौरे पर जैसलमेर आ रहे हैं, जहां लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला पहली बार जैसलमेर आ रहे हैं। इस दौरान वे यहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम लोग उत्साहित होकर न्यूज़ एकत्रित करने में लग जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़ पर कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर गांव स्थित गुजर भवन में आज शाम राष्ट्रीय लोक दल की बैठक होगी। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर पिछले 117 दिनों से चल रहे किसानों के धरने को समर्थन देंगे। रूस के सुदूर पूर्व स्थित व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम 10 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो 13 सितंबर तक चलेगा। जहां खबर है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन आज शामिल हो रहे हैं। इसे देखते हुए दुनिया भर की निगाहें इस फोरम पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोर्ट के आदेश पर एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेंद्र सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को जनता दरबार के दौरान 37 लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीतामढ़ी से आए एक व्यक्ति ने पोस्ट ऑफिस में 85,000 रुपए गमन का आरोप लगाया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि ये तो धोखाधड़ी का मामला है, इसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। दिल्ली विवाद मामले में शर्जिल इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, जहाँ दिल्ली की अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। अमृतसर में गैंगस्टर हैप्पी जट के 2 गुर्गों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, वहीं मुठभेड़ में एक के टांग में गोली लगी है। अमृतसर में ब्यास डेरा प्रमुख बाबा गुरमीत सिंह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, जहां दोनों के बीच आध्यात्मिक चर्चा हुई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले दिनों एक महिला की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने खुलासा किया है कि देहरादून में ही पदस्थ लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपने प्रेमिका को मार दिया। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि श्रेया का खून प्रेम प्रसंग के चलते किया गया। श्रेया सिल्लीगोरी के एक डांस बार में काम करती थी। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की दिल्ली में बिगड़ी तबीयत, तो उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके स्वास्थ्य के बारे में सीएम हेमंत सोरेन ने जायजा लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को उज्जैन पहुंचकर महाकाल मंदिर में दर्शन किया और पूजा किया। उन्होंने पहले नंदी हॉल में बैठकर भगवान श्री महाकाल के दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान का अभिषेक किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका से आयातित सेब, अखरोट और बादाम पर अतिरिक्त शुल्क हटाने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इसका जम्मू कश्मीर में बागवानी उद्योग पर काफी असर पड़ेगा। ईडी ने टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी को 13 सितंबर को किया तलब, तो अभिषेक बोले, मैं INDIA समन्वय समिति की बैठक में 13 सितंबर को दिल्ली में शामिल होऊंगा, इसलिए ईडी के ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा मुंबई को राज्य से अलग कर उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने का है। पटोले ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने कोविड महामारी या 2016 की नोटबंदी या फिर मणिपुर जैसे मुद्दे पर कभी भी विशेष सत्र नहीं बुलाया। अब सत्र सरकार की मर्जी और मूड के मुताबिक बुलाया गया है। गुजरात बीजेपी की प्रतिभा जैन को अहमदाबाद नगर निगम का मेयर चुना गया है, वहीं जतिन पटेल को डिप्टी मेयर बनाया गया। जैन शहर के शाही बाग वार्ड से पार्षद हैं। राजस्थान बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज 12 सितंबर को राजस्थान के टोंक जिले में प्रवेश करेगी, जहां 4 विधानसभा सीटों को कवर किया जाएगा। वहीं परिवर्तन यात्रा टोंक के बाद उनियारा और मालपुरा जिलों में भी आयोजित की जाएगी। महुआ के जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने जिला महिला चिकित्सालय महुआ का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने आयुष्मान कार्ड केबिन, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर आदि का जायजा लिया। असम के बलीमरा चाह श्रमिकों ने आज बगान के मैनेजर का घेराव किया, जहां श्रमिकों ने मैनेजर का घेराव कर बगान से जुड़े समस्याओं का अति शीघ्र समाधान करने की मांग की। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और साथ में शेयर भी कर दें। अब बारी है कल के न्यूज़ पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है सुनील कुमार पाथिपाका, परशुराम सिंह, मेदीलाल मौर्य, बनवारी लाल स्वामी, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, महतो हरिनाथ महतो, अशोक परमार, गौतम महतो, विपिन कुमार सिंह, विंध्यांचल राम, दीनबंधु कलसाई, राजकुमार ठाकुर, केशव चंद तिवारी, खेम होम थापा, बलबंत सिंह, भारत सिंह, अर्चना कुमारी, जितेंद्र साहनी, घनश्याम, कैलाश पति, संतोष भटनागर, शिवाजी पटेल, ओम प्रकाश नेगी, बब्बन यादव, पुरुषोत्तम पांडे, निधिनाथ पांडे, काजल कुमार गांगली, दिलीप मिश्रा, चंद्रजीत, SK ZM7, कमल साहू, सत्येंद्र साह, किरण मेहंदी आर्ट, अशोक आर्या, गुडवेज ट्रेवल, प्रवीण कलिता, अरुण दांगे, सतीश चौबे, प्रवीण कुमार, वेणुगोपाल आर, संतोष कुमार गोप, महादेव शर्मा, बंटी हजारिका, करुणा चक्रवर्ती, सुल्तान अंसारी, आराध आहुजा, राजेंद्र सिंह, प्रहलाद पंडित, कमलेश यादव, प्रवीण कुमार, विजय सिंह बैरवा, विपिन पात्रा, राजेश रॉय, अयोध्या प्रसाद राठौर, मोती जगदीश, रक्ष आर्या, रणधीर सिंह, केपी तिवारी, निधिनाथ पांडे, डीके पाठक, रामदयाल सिंह, रणधीर सिंह और अंसारी रसीद। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।